तो राजकोट ने मेटोड़ा जीआईडीसी में लोखंड की चोरी नो कौभांड झड़पायू है। वे ब्रिज कांटा में अंदर जोईने लोखंड की चोरी करती टोळकी सक्रिय थई हती। आ कांटा में चोर टोळकी नो सभ्य त्रण त्रण दिवस सुधी रहेतो हतो। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद थई गई छे। जीवना जोखमे लोखंड की चोरी करता हता। वे ब्रिज कांटा में अंदर प्रवेशीने चेक मारीने ओछू वजन बतावातु हतु। ओछू वजन बतावीने आरोपीओ लोखंड काढवानुं कौभांड चालतु हतु। लोखंडनो माल वेचनार फरियादी न बनता अनेक सवाल उठ्या हता। बारोबार चालता कौभांड मामले वेब्रिज संचालक पण अजाण हता। आ अंगे हवे वेब्रिजना संचालक फरियाद करी शके छे। संवाददाता शून्य अपनी साथे लाइव जोड़ाया छे। सनी, जे प्रकारे अहींया समग्र विगत सामे आवी रही छे के राजकोटनी मेटोड़ा जीआईडीसी में लोखंडनी जे चोरीनुं कौभांड छे ते झड़पायुं छे। नेहा, जीतनी बात करूं आवे तो राजकोट में लोखंडनी चोरी करती टोळकी नुं कौभांड छे ते सामे आव्युं छे। वीटीवी न्यूज पासे सीसीटीवी छे ते सामे आव्युं छे के जे वेब्रिज संचालक हता तेमनी अजाण बहार आ समग्र कौभांड छे ते चाली रह्युं हतुं। वेब्रिजना काटानी अंदर केटलीक टोळकीओ छे ते रात्रिना समय प्रवेशे छे। एक एक दिवस नहीं परंतु त्रण त्रण कलाक सुधी आ टोळकी छे ते काटानी अंदर रहे छे। जीवना जोखमे पोते अंदर जेक लईने प्रवेशे छे ने जेक मार्या बाद तेवो वजन छे ते बाल्टननी धारो के गाड़ी होय तो तेवो जेक मार्या बाद 8 टननी देखाड़ी देता। एटले 4-4 टन 6-6 टन सुधीना माल छे ते बारोबार वेची नाखता काटता हता। आ समग्र कौभांडनो पर्दाफाश छे ते थयो छे। हाल तो आ समग्र बाबतने लईने जे वेब्रिजना संचालक छे ते फरियादी बनी शके छे। राजकोटमां लोखंड चोरीनुं कौभांड छे ते चाली रह्युं छे। राजकोट सहित आवा अनेक वेब्रिजोनी अंदर छे ते आ कौभांड चाली रह्युं छे। वेब्रिज संचालक अजाण छे परंतु कारखानेदार जे वेचनार छे ते पण अजाण छे। परंतु आ टोळकी छे ते सक्रिय थई छे। લાખોની કરોડો રૂપિયાનો મુદ્દા માલ છે તે ચાઉં કરી રહી છે। આ સમગ્ર બાબતને લઈને જોઈ શકાય છે સીસીટીવીમાં કે જે વ્યક્તિઓ છે તે અંદર બાજુની ટાંકીમાંથી પ્રવેશી અને વેબ્રિજની અંદર જાય છે, તે જમવાનું પણ લઈ જાય છે, ખાવા પીવાનું પણ લઈ જાય છે અને અંદર ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી રહે છે। આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ છે તે અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ અને ટૂંક સમયમાં જ આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ પણ દાખલ થઈ શકે છે। પોલીસ પણ આ મામલે મોટી કાર્યવાહી કરી શકે છે। ગુજરાતનું આ અનોખું ચોરી કૌભાંડ છે તે રાજકોટમાં સામે આવી રહ્યું છે। રાજકોટના મેટોડા જીઆઈડીસી ખાતે મુલીધર વેબ્રિજ પાસેની આ ઘટના હતી કે જ્યાં મુલીધર વેબ્રિજના કાંટાની અંદર પ્રવેશીને કેટલાક ટોળકીના ઈસમો છે તે અંદર પ્રવેશે છે અને તેઓ આ સમગ્ર કૌભાંડ છે તે આચરતા હતા। સમગ્ર બાબતને લઈને હવે જે વેબ્રિજના સંચાલક છે તે હવે ફરિયાદી બને તેવી અત્યારે શંકા સેવાઈ રહી છે। જી બિલકુલ, શોની જાણકારી બદલ આભાર।